हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में एक कंप्लीट ऑर्डर लाने के लिए क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर आप नए हो इस बिजनेस में और आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, फिर भी आपको क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, इसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने ये बताया था कि बींग अ न्यू कमर हो तो आपका बिजनेस एक्सपोर्ट में क्यों फेल होता है और किस कारण होता है। अगर आप एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर भी हो तो आपको नए ऑर्डर्स क्यों नहीं मिलते, उसके ऊपर भी मैंने वो डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। तो मस्ट वॉच वीडियो कहूँगा मैं, कि उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें बता रखी है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक जरूर करना आप उस चीज़ के लिए। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आई कैन क्रिएट मोर वीडियोज़ लाइक दिस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। आज जितना भी बता रहा हूँ वो सिर्फ पॉइंट है कि कौन कौन से प्रोसेस के ऊपर आपको फॉलो करना है, और हर पॉइंट जो भी बता रहा हूँ इसके ऊपर हम डिटेल में अपकमिंग आने वाले वीडियो पे हर पॉइंट की एकदम डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए वो चीज़ें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है आपको आपके प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड आता है आपको यू शुड नो हाउ टू फाइंड बायर्स फॉर एक्सपोर्ट। अब बायर्स भी कौन से, पोटेंशियल बायर्स कैसे ढूंढते वो आना चाहिए। थर्ड आता है आपको कि उन बायर के साथ जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो हाउ टू अप्रोच देम फॉर अ मीटिंग, है ना, कि उनके उनसे अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है, उनसे मीटिंग में क्या बातें करना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए, थर्ड स्टेप होना चाहिए। फोर्थ है कि आपकी प्रेजेंटेशन, कि आप उनको क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं वेबसाइट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, एक द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स उसकी बात कर रहा हूँ कि कैसे होना चाहिए वो। उसके बाद है कि अप्रोच कैसे करना है उनको ऑर्डर्स के लिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके पास ऐसे कौन सी स्किल्स है जहाँ पे आप उनको कन्विंस कर सको आपके अप्रोच के लिए। अगर वो नेगेटिव बात भी करते हैं मीटिंग्स में कि रिगार्डिंग आपके प्राइस हो गया, या तो आपका प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी की बात हो गई, या तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर होते हैं, तो उसके ऊपर आपके पास कौन सी स्किल्स है और वो कैसे डेवलप करी जाए उसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट आता है कि जब आप मीटिंग में होते हो तो पेमेंट टर्म्स कैसे कैसे काम करता है, कि एक प्रेजेंटेशन में कैसे पेमेंट टर्म का आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आता है नेगोशिएशन स्किल्स, कि कौन से टाइम पे कौन कौन से फैक्टर आते हैं जहाँ पे नेगोशिएट होता है। सिर्फ प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट की बात करोगे और हमने प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया, इट्स नथिंग लाइक दैट। रियल वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट। अभी भी बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट के ऊपर आपको करने पड़ेगा, बट वो कौन से सर्कमस्टांस में आपको करवाना पड़ेगा। तो नेगोशिएशन स्किल्स आना चाहिए। और एक आता है इंपॉर्टेंट आपका लॉजिस्टिक स्किल्स, कि कैसा है, और उसके बाद प्रॉपर वे कि फॉलोअप के कैसे किया जाए एक क्लाइंट के साथ। अभी जितना भी मैंने आपको बताया वो सारा हम एक एक पॉइंट समझेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ेगा ताकि जाके आपको एक्सपोर्ट को ऑर्डर मिले। अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ एक मेल करना क्लाइंट को एंड कॉल्स करने, कोल्ड कॉल्स, इससे आपको बायर नहीं मिलने वाला है। कॉल से फिर भी आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, बट सिर्फ मेल करोगे, इंडियन एम्बेसी का डेटा लोगे, वो कुछ नहीं होता है। ऐसे डेटा हजारों पड़े, देयर आर सो मेनी वेबसाइट जहाँ पे आपको फ्री में एक्सेस मिलता है। सो आई होप आपको इस वीडियो को थोड़ा सा समझ आया होगा कि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो हम इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। एंड आई होप गाइस कि आपको थोड़ा सा नया कुछ सीखने को मिला होगा इस चीज़ से। सेशन सेम होते हैं मेरे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के, तो आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। नॉट सेलिंग माई कोर्स ओवर हियर, बट आई एम टेलिंग यू कि आप एक बार व्हाट्सएप नंबर पर एक बार बात जरूर कीजिएगा, तो आपको एक थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं हम इस रिगार्डिंग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू सो मच।